आया हूँ। लोगों की कतारें लगी हैं। इस बार जो मैंने बोर्ड पर स्टेज देखा उसमें ज़्यादा हमारे डीडीसी के जो द्रगमला के यूथ हैं वो वोट डाल रहे हैं, और उनका कहना है कि हम इस बार जो वोट डाल रहे हैं वो डेवलपमेंट पे वोट डाल रहे हैं। हमने पिछले 70 साल देखे हैं और हमने एनसी और पीडीपी दोनों कांग्रेस का भी राज देखा है, लेकिन आज हमने ये मन बना के रखा है कि हम अगर वोट डालेंगे तो डेवलपमेंट पे वोट डालेंगे। क्योंकि आप खुद देख रहे हो पूरे हिंदुस्तान में और हमारे जम्मू कश्मीर में भी कितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि उसी तरीके से हमारे जो द्रगमला के लोग हैं वोट डालें और इसी तरीके से द्रगमला भी उसी तरीके से डेवलप हो जाए जिस तरीके से आप आज देखते हो। 5 घंटे में हम कश्मीर से जम्मू पहुंचते हैं, तो हम चाहते हैं कि इसी तरीके से 20 घंटे में हम मुंबई महाराष्ट्र से भी आके चक्कर करके आ जाएंगे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है जो द्रगमला के हमारे आवाम है कि आप एक बार हम पे ट्रस्ट करें, भरोसा करें। आप देखोगे कि डेवलपमेंट किस चीज को कहते हैं, क्योंकि कश्मीरी लोगों ने पिछले 70 साल में ये जो डेवलपमेंट वर्ड है भूल चुके थे, कि वो देख रहे थे कि क्या कितने घोटाले हो रहे हैं। आप भी हर दिन देखते हो, आपकी न्यूज एजेंसियों के वसात से हम भी देखते हैं, चाहे सोशल मीडिया या टीवी नेटवर्क पे, कि हर दिन किसी ना कहीं पे रेड लगती है, कहीं पे घोटाले होते हैं। हम चाहते हैं कि उनका भी हिसाब हो जाए, और ये चाहते हैं कि द्रगमला वाले लोग आज एक बार भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करें और हमें वोट दें, और 8वीं तारीख को हम एक अच्छी तरीके से यहाँ पे जीत हासिल करें, और इंशाल्लाह रहमान और हमारी कामयाबी हो जाए। साहब 10 कैंडिडेट्स है, इस बीच कैसी फाइट लग रही है आपको, क्योंकि ऑलरेडी बीजेपी लोगों के दिलों में बीजेपी की जो नफरत है, तो फिर से 2020 के बाद ये इलेक्शन यहाँ पर डीडीसी का हो रहा है, क्या कहें? सबसे बड़ी बात यह है कि द्रगमला के लोगों ने खुद देखा होगा कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी उनके तो अपने निशावी चिन्ह जो होते हैं वो भी नहीं है। चाहे आप पीडीपी देख रहे हो तो पीडीपी किसी और के नाम पे वोट मांग रहे हैं, पीसी तो किसी और के नाम पे वोट मांग रहे हैं, एनसी का तो यहाँ पे कैंडिडेट भी नहीं था, तो एनसी किसी और इंडिपेंडेंट के नाम से वोट मांग रहे हैं। तो इस बीच अगर बात करेंगे सर, ऐसा लग रहा है कि सुनने में आ रहा है कि अंदरूनी तौर कुछ लोग जो है इंडिपेंडेंट लोग वो अंदरूनी तौर बीजेपी के साथ जुड़े हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। आप देखते हो कि सब लोगों के दिल और दिमाग में यही एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी का ही कमल यहाँ पे खिलेगा और जरूर खिलेगा। लेकिन आपका कहना सच है कि कुछ लोग हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट जो हमारे लोग हैं वो प्रॉक्सी कैंडिडेट्स थे। आपने खुद सुना होगा कि यहाँ पे किसी को भी अपना चिन्ह निशान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के सिवा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको पता ही होगा कि पिछले 70 साल में जो हुआ है वो तो हम 3 साल में या 4 साल में नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं एक अश्योरेंस आपको देता हूँ आपके मीडिया के वसात से, जो डेवलपमेंट होगा वो बिल्कुल अनोखा होगा, और द्रगमला के लोग खुद देखेंगे कि डेवलपमेंट किस चीज को। आपने खुद देखा होगा जो हाजिन में हमारी कैंडिडेट है या हमारे जो पार्टी के वर्कर्स है और हाजिन के खुद जो लोग हैं वो तो हम पे ट्रस्ट करते हैं। बड़े लाखों हजारों में आपने देखे होंगे इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे ढोल तमाशा चल रहा था पिछले 5 दिन में जब से बिगुल बजा था इलेक्शन के लिए। मुझे पूरा भरोसा है अपने हाजिन के लोगों पे भी और अपने द्रगमला के लोगों पे भी कि वो एक बार हम पे ट्रस्ट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे।